नमस्कार हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका पुनः स्वागत है अभिनंदन है आज हम चर्चा करेंगे हिंदी आलोचना पर आधुनिक हिंदी साहित्य में कविता और गद्य ये दो रूप देखने को मिलते हैं यानी गद्य और पद्य इसका विकास दोनों का समांतर आधुनिक हिंदी साहित्य में हुआ कविता के इतिहास का कविता की विकास यात्रा का जब हम विभाजन करते हैं तो भारतेंदु युग द्विवेदी युग इसी तरह छायावाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद नई कविता फिर आठवें दशक की कविता समकालीन कविता अकविता आदि आदि इस तरह से बहुत सारे वर्ग बनाए गए किंतु तो गद्य की अनेक विधाएँ हमारे सामने आई जिसमें उपन्यास है तो केंद्र में प्रेमचंद को रखकर प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास फिर उत्तर हिंदी उपन्यास फिर आठवें दशक के फिर नवें दशक के फिर इक्कीसवीं शताब्दी के इस तरह से और फिर विषय के आधार पर भी उपन्यासों का वर्गीकरण हुआ जिसमें दलित विमर्श स्त्री विमर्श ये भी शामिल हुआ समस्या मूलक भी हुए पर्यावरण को लेकर तमाम तरह के ऐसे कहानी का उद्भव और विकास तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी प्रेमचंद युगीन प्रेमचंद उत्तर इसी तरह से कहानी का भी हुआ नाटक में प्रसाद को केंद्र में रखकर विभाजन किया गया जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार कवि उपन्यासकार नाटककार कहानीकार आलोचक भी हैं तो नाटक को भी प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक प्रसाद युगीन हिंदी नाटक प्रसाद उत्तर हिंदी नाटक इस तरह से फिर समकालीन हिंदी नाटक फिर आठवें दशक के नवें दशक के हिंदी नाटक इस तरह से विभाजन किया गया जीवनी का रेखाचित्र का संस्मरण का डायरी का यात्रा वृत्तांत का इस तरह से गद्य में इन अनेक विधाओं का उद्भव विकास केंद्र में रखते हुए उनका वर्गीकरण उनका विभाजन जो मुख्य रचनाकार है उसको केंद्र में रखकर जैसा कि इतिहासकारों ने अपने इतिहास ग्रंथों में किया भी है ऐसी हिंदी आलोचना भी एक विधा है और आधुनिक हिंदी साहित्य में हिंदी आलोचना के केंद्र में प्रतिष्ठित और स्थापित आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रखा जाता है शुक्ल जी इतिहासकार भी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था वो बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और शुक्ल जी कवि भी हैं शुक्ल जी आलोचक भी हैं शुक्ल जी स्थापित और प्रतिष्ठित निबंधकार भी हैं और उतने ही प्रतिष्ठित समीक्षक वो आलोचक भी हैं उन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर शास्त्र के आधार पर साहित्य की प्रवृत्तियों के आधार पर अपनी आलोचना दृष्टि का परिचय दिया है बहुत सी रचनाओं का संपादन किया तो उसकी भूमिका में भी उनकी आलोचना दृष्टि को देखा जा सकता है तो हिंदी आलोचना के उद्भव विकास का वर्गीकरण और विभाजन भी शुक्ल जी को केंद्र में रखकर किया गया और शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना और फिर छठे दशक की फिर सातवें दशक की फिर आठवें दशक की इस तरह से और इक्कीसवीं शताब्दी की हिंदी आलोचना ऐसे उसका भी वर्गीकरण किया गया हिंदी जगत को बहुत से आलोचक प्रतिष्ठित आलोचक मिले हैं भारतेंदु युग में भी आलोचना बहुत प्रबल और प्रखर रूप में दिखाई देती है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में भी आलोचना स्वयं भारतेंदु ने और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी आलोचना के कार्य को निष्पादित किया है छायावादी कवि न केवल कवि हैं न केवल साहित्यकार हैं नाटक उपन्यास कहानी आदि अनुवाद आदि के साथ साथ वो आलोचक में आलोचना का काम भी कर रहे हैं संपादक भी हैं पत्रकार भी हैं आलोचक भी हैं प्रसाद जी ने काव्य कला और अन्य निबंध नाम से पुस्तक लिखी उसमें उनकी आलोचना हमें उपलब्ध होती है महावीर प्रसाद द्विवेदी भारतेंदु और छायावाद और फिर छायावादोत्तर प्रगतिवाद प्रयोगवाद नई कविता इन युगों में भी आलोचना का ये दायित्व और ये कार्य आगे बढ़ता रहा और आज भी आलोचना विधिवत विस्तार से लिखी जा रही है तो आज हम उसी हिंदी आलोचना को केंद्र में रखकर चर्चा कर रहे हैं हिंदी आलोचना के संपूर्ण दायरे का विस्तार सतत है गतिमान है निरंतर है विकासमान है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपनी विराट पहचान को बनाए हुए है प्रतिवर्ष अपने नए रंग और नए स्वरूप को धारण करती हुई एक नई चमक के साथ दिखलाई पड़ती है स्वाभाविक है जैसे कविता और गद्य की विधाएं युग से युग की प्रवृत्तियों से युग के परिवेश से प्रभावित होती हैं ऐसी आलोचना भी और आलोचक भी इनसे प्रभावित होता है कहीं भारतीयता के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में भारतीय मूल्यों के संदर्भ में आलोचना की जाती है इसलिए शुक्ल जी लोकमंगल की परिकल्पना करते हुए साहित्य को देखते हैं और कहीं पाश्चात्य चिंतन और पाश्चात्य तमाम दार्शनिक प्रभावों से परिचालित आलोचना दिखाई देती है गहन चिंतन गहन मूल्यांकन अवलोकन विवेकपूर्ण मंथन इन सब फल फलस्वरूप यदि हम देखें तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया कृतियों को प्रशस्ति के मार्ग की ओर ले जाने वाला संकल्प बन जाती है सभी समीक्षकों आलोचकों ने साहित्यकारों और सर्जकों ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने सृजन के माध्यम से अपनी समीक्षा दृष्टि के माध्यम से इस परंपरा को सशक्त किया है आलोचना जैसी विधा में सृजित नवीन लेखन कार्य हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं जो आज भी चल रहे हैं यानी ये आलोचना का कार्य भारतेंदु युग द्विवेदी युग छायावाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद नई कविता और तत्पश्चात अद्यतन अधुनातन विकास की यात्रा हम देखें तो शोध सम्मत, शोधपूर्ण दृष्टि से शब्द सौंदर्य का सृजन उसका निर्माण वो हो रहा है और हम सब के समक्ष वो उपस्थित भी है यह एक ऐसी अखंड विरासत है जो अपने भीतर अद्यतन प्रासंगिकताओं और नवीन चेतनाओं के क्रमागत सर्वेक्षणों को एक साथ अभिव्यक्त करती है बहुत से समसामयिक बहुत से रेलेवेंट या प्रासंगिक मुद्दे हैं विषय हैं नई चेतनाएं हैं उनके क्रमगत विकास की स्थितियां हैं सर्वेक्षण हैं उन सब को हम इस कर्म में या आलोचना के कार्य में देख सकते हैं हिंदी आलोचकों ने अपने को वर्तमान चुनौतियों के लिए सदा सर्वदा प्रस्तुत रहने के लिए अपना हथियार घोषित किया यानी आलोचना ही है जो समसामयिक चुनौतियों समस्याओं मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में विचार करती है इन्हीं हथियारों से आलोचना कर्म की वानगी अपनी दशा और दिशा में नवीन अनुसंधान की ओर प्रयासरत दिखाई देती है यानी जो आलोचक है वो आलोचना कर्म करते हुए युगीन दशा और भावी भविष्य की दिशा इनके संदर्भ में समीक्षा करता है मूल्यांकन करता है उनका अवलोकन गहन अध्ययन करता है चिंतन मनन करता है और फिर उससे नए निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करता है एक तरफ आलोचना कर्म में प्रवृत्त अनुसंधित स्वतंत्र चिंतक अद्यतन रचना प्रणालियों के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करता है उसे निभाता है और दूसरी तरफ मध्ययुगीन कथ्य के प्रति भी अपने अधुनातन निष्कर्षों के माध्यम से अपनी तलाश को मूर्त रूप प्रदान करता है यानी एक तरफ भारतीय काव्यशास्त्र शास्त्र के मूल्य शास्त्र के मानक आलोचक को प्रभावित करते हैं प्रेरित करते हैं और दूसरी तरफ पाश्चात्य मानकों ने भी आलोचकों के सामने एक क्षितिज खड़ा किया है प्रत्येक युग या धारा के कवियों को आलोचक अभिनवता के नए सौंदर्य बोध से मंडित होकर रचना शिल्प में गढ़ता भी है इसका मतलब है कि हर युग का अपना एक सौंदर्य शास्त्र होता है अपनी एक युग दृष्टि और युग बोध भी होता है उस युग के कवि उस युग के रचनाकार कहानीकार उपन्यासकार नाटककार तमाम दूसरी विधाओं के सर्जक, वो अपनी नवीनता मौलिकता आधुनिकता इसके संदर्भ में जिस सौंदर्य बोध से प्रेरित होते हैं मंडित होते हैं उसी के आधार पर रचना को लिखते हैं निर्मित करते हैं उसका शिल्प गढ़ते हैं और उसके सामाजिक सरोकारों का निर्धारण भी करते हैं यहां यह भी स्मरणीय है कि समृद्धि के सोपान से गुजरती हुई आलोचना मात्र कविता कर्म के ही दायरे में सीमित नहीं है उसका विस्तार कविता कर्म की आलोचना मात्र तक सीमित ना होकर अपितु विधाओं तक पहुंचता है अनेक धाराओं तक भी वह आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है इसलिए वर्तमान आलोचना किसी पूर्वाग्रह के पास में बंधी हुई तो नहीं है और यदि पूर्वाग्रह के पास में दिखाई देती है तो वह स्पष्ट रूप से अपने स्वरूप को भी प्रस्तुत कर देती है जबकि आलोचना का धर्म तटस्थ होकर रचना और रचनाकार की प्रवृत्तियों की स्थिति का स्वरूप का मूल्यांकन करना उसके गुण दोषों की समीक्षा करना उसके प्रद्वेय पर विचार करना ये सब रहता है आलोचक अपने अनुभवी और अध्ययन आधृत नेत्रों को दृष्टि को गड़ाकर अपनी दृष्टि चारों तरफ डालता है नए नए सवालों के जवाबों को तलाशने की प्रक्रिया में सतत प्रयासशील रहता है निश्चित रूप से समय सापेक्ष चुनौतियाँ प्रश्न समस्याएं, साहित्य और साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित होती हैं और समीक्षा जो है आलोचक या समीक्षक जो है वह चिंतन मनन के आधार पर अपनी गहन गंभीर अनुभव संबलित दृष्टि से उन स्थितियों का अवलोकन मूल्यांकन करता है गहन गंभीर रूप से उसके भीतर बाहर का मूल्यांकन करता है और फिर जो सवाल पैदा होते हैं जो प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों के उत्तर खोजने या तलाशने की प्रक्रिया में वो रत हो जाता है सतत प्रयासशील रहता है प्रयत्नशील रहता है इसलिए उत्तर तलाशने की प्रक्रिया का अंत हमें नई व्याख्याओं या सौंदर्य बोध की चमकती शिला पर खुदे अक्षरों के माध्यम से दृष्टिगत होता है तो जो सौंदर्य दृष्टि है सौंदर्य बोध है वह भी समय समय पर समकालीनता के साथ बदलता हुआ नए नए अर्थ नए नए अर्थ संभावनाओं के साथ उद्घाटित होता हुआ दिखाई देता है हिंदी आलोचना की अपनी विशिष्ट पहचान बन गई है समकालीन वैज्ञानिक युग में भी हिंदी आलोचना की अस्मिता कायम है विद्यमान है हिंदी आलोचना के अभाव का वर्ष किसी भी वर्ष को नहीं कहा जा सकता इसका अर्थ है कि प्रतिवर्ष आलोचकों ने जो भी उस वर्ष के कार्यकाल में बारह माह में जो रचनाएं मौलिक रूप से सृजनात्मक रूप से प्रकाश में आती हैं चाहे वो गद्य या पद्य हो, गद्य की तमाम विधाएं हों या कविता के भी अनेक रूप हों उन सब का अध्ययन करके उनके उद्देश्य को उनके संदेश को उनकी भाषा और शैली उनके शिल्प को उनके नए नए प्रयोगों को उन सब को, यानी प्रयोजन क्या है हेतु क्या है आत्मा क्या है इन सब के संदर्भ में भी पूर्ण रचनाओं का मूल्यांकन विवेचन करता चलता है बहुत सी ऐसी पुस्तकें प्रतिवर्ष आती हैं जिनमें आलोचना के नए धरातल को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है आलोचक अपनी अन्वेषणात्मक दृष्टि से उन तमाम नए विचारणीय मुद्दों और धरातलों को नए रूप में विवेचित करता है समीक्षा करता है मूल्यांकन करता है और अपनी अन्वेषणा परक दृष्टि से उसे एक नया रूप भी देता है हमें यह स्मरण रहना चाहिए कि हिंदी आलोचना का स्वर्णिम इतिहास अब अंकित है यानी पूरे इतिहास को देखें हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास को तो हम उसके स्वर्णिम इतिहास को भी देख सकते हैं क्योंकि जब हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल की बात हम करते हैं जिसे भक्तिकाल कहते हैं तो जो समीक्षा है उसके भी लगभग सवा सौ डेढ़ सौ वर्षों में हम इस स्वर्णिम काल को देख सकते हैं इतना ज़रूर कह सकते हैं कि वर्तमान आलोचकीय अन्वेषणा व आज जो आलोचक खोजबीन करता है शोध करता है उसमें आलोचन, आलोचना आलोचनाकर्मियों ने स्वयं को अद्यतन रखना रचना प्रवृत्तियों से जोड़कर देखना अपनी अनुसंधानात्मक दृष्टि को विकसित करना ये एक क्राइटेरिया या ये एक पद्धति अपनाई है इस तरह इसको यह भी कह सकते हैं कि जो स्वरूप आलोचना का पहले स्थिर था उसमें पर्याप्त मात्रा में क्रमानुसार परिवर्तन और परिवर्धन हुआ है यह भी निर्विवाद सत्य है कि हिंदी आलोचना ने अपना प्रारंभिक युग ऐसे निबंधों को सृजित करके प्रकट किया जिनमें युगीन बौद्धिकता और यथानुरूप तथ्यों का समावेश उनकी पहचान बन गया यानी भारतेंदु और द्विवेदी युग में आलोचना का सबसे मजबूत आधार उसका निबंध साहित्य है वो निबंध किसी मनोविज्ञान के आधार पर हो किसी प्रवृत्ति के आधार पर हो किसी रचना और रचनाकार की भाषा और शैली पर आधारित हो उन सब को केंद्र में रखकर बहुत सारे निबंध लिखे जाते रहे शरीर के अंग प्रत्यंग पर भी निबंध लिखे गए दांत पर आंख पर तो ये जो दृष्टि थी बहुत से रचनाकार उस समय मानव मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर समाज मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर और शरीर के अंगों की भूमिका और महत्ता को ध्यान में रखकर इस तरह के निबंध लिख रहे थे तो जो युगीन बौद्धिकता है और उस बौद्धिकता के अनुरूप तथ्यों का समावेश है वो प्रारंभ में निबंधों के माध्यम से किया जा रहा था इन निबंध लेखकों में बालकृष्ण भट्ट बालमुकुंद गुप्त बाबू गुलाब राय चौधरी प्रेमघन ऐसे बहुत से नाम हैं अगर नाम गिनाएंगे तो लंबी फहरिस्त मिलेगी ऐसे तमाम निबंधकार निबंधों के भीतर ही आलोचना कर्म को भी वाणी दे रहे थे यानी निबंध लिखते समय उनके भीतर का जो आलोचक है जो चिंतक विचारक और समीक्षक है वो विधा भले ही निबंध हो लेकिन कर्म उनकी दृष्टि में उनकी विवेचना में स्पष्ट दिखाई देता है विविध निबंधों के शीर्षक और उनमें चित्रित शब्द विधान इन निबंधकारों के आलोचनात्मक अन्वेषण को भी प्रस्तुत करते हैं इन निबंधकारों की वैचारिकी उनका धरातल उनके धरातल का केंद्र साहित्य और समाज दोनों रहे हैं इसका मतलब है कि निबंधकारों ने जिन मुद्दों को उठाया जिन विषयों पर निबंध लिखे उनके केंद्र में साहित्य और समाज सदा सर्वदा रहा है उससे हटकर निबंध लेखन नहीं किया ये निबंधकार हिंदी के समाज को एक आलोचनात्मक सामाजिक दृष्टि प्रदान करना चाहते थे इसलिए भारतेंदु से लेकर बाबू सरदार पूरण सिंह तक या इस बीच में और बहुत सारे निबंधकार जिनकी चर्चा अभी हमने की वो समय समय पर इस सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि को निबंधों के और आलोचना के साथ जोड़ते रहे एक अन्य निबंधकार भी सांस्कृतिक दृष्टि की रचना के माध्यम से देश में नए विमर्श को जन्म देने का काम कर रहे थे एक तरह से साहित्यिक चेतना को जन्म जन्म दे रहे थे वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हों या आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाबू श्याम सुंदर दास हों या बाबू गुलाब राय इन विद्वानों ने हिंदी आलोचना के पृष्ठों को अपनी बौद्धिक यात्राओं से समृद्ध किया ये जो बौद्धिक यात्राएं हैं ये उनके जीवन अनुभव साहित्यिक अभिरुचि भाषा शिल्प और उसके तमाम सरोकारों से उनका बोध ये सब निश्चित रूप से उसके साथ जुड़े हुए थे बौद्धिक यात्रा शब्द इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने त्योहारों, पर्व उत्सवों रीति रिवाज़ों देश की समाज की समस्याओं पाखंडों अंधविश्वासों और इतिहास विषयों आदि पर अपने तात्विक या तत्व चिंतन परक प्रयासों से इस महायात्रा को सार्थकता प्रदान की इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आलोचना में किसी भी गद्य और पद्य रचना की आलोचना हो या किसी रचनाकार की समग्रता के साथ आलोचना की जा रही हो तो उनमें ये जो समाज और संस्कृति की राष्ट्र और राष्ट्रीयता की जो दृष्टि है वह भी उसमें समाविष्ट रहती है इसलिए हम किसी भी प्रबंध और मुक्तक रचना की जब समीक्षा करते हैं तो युगीन राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक पर्व उत्सव त्यौहार रीति रिवाज उस देश की चुनौतियां और समस्याएं, अंधविश्वास पाखंड और युगबोध विषय तमाम तरह के मुद्दे और विषय उन सब की तात्विक समीक्षा तत्वचिंतक प्रधान प्रयास इन सब की का मूल्यांकन किया जाता है इसी आलोचकीय यात्रा में विजय देव नारायण साई नंद दुलारे वाजपेयी डॉक्टर रामविलास शर्मा राममूर्ति त्रिपाठी ये सब ने भारतीय और पाश्चात्य शास्त्रों को अपने 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 विवेक के अनुसार समन्वयकारी दृष्टि से उज्जवलतम रूप में परिलक्षित किया तो यह भी स्पष्ट है कि हिंदी आलोचना जैसे जैसे आगे बढ़ती गई जैसे जैसे नए समीक्षक आलोचक इस यात्रा में सहयात्री बनते गए वैसे वैसे युग सापेक्ष समय सापेक्ष विधा सापेक्ष रचना सापेक्ष ये दृष्टि आलोचकों की बनती चली गई अगर कामायनी की समीक्षा और आलोचना की तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी की और नाम्बर सिंह ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या नंदुलारे वाजपेयी ने या मुक्तिबोध ने ये सब अपनी अपनी दृष्टि से उसे देखते रहे तो कह सकते हैं कि एक एक, एक समन्वयकारी दृष्टि उसका एक उज्ज्वल रूप ये आलोचना में दिखाई देता है डॉक्टर नगेंद्र रामस्वरूप चतुर्वेदी डॉक्टर नाम्बर सिंह रमेश चंद शाह निर्मल वर्मा विष्णु खरे मैनेजर पांडे पुरुषोत्तम अग्रवाल रमेश दवे अरुण कमल प्रभाकर श्रोत्रिय नासिरा शर्मा दूधनाथ सिंह नंद किशोर नवल अशोक वाजपेयी सूर्यप्रसाद दीक्षित ऐसे बहुत से आलोचकों के नाम हैं जिन्होंने आलोचना कर्म में तथ्यपरक मुद्दों को नवीन या अधुनातन साहित्यिक चेतना से जोड़ा तो ये जो समीक्षक हैं ये अपनी परंपरा और आधुनिकता से संबलित दृष्टि के साथ इस पूरे रचनाकर्म की रचना धर्म की समीक्षा करते हैं इससे यह भी पता लगता है कि हिंदी आलोचना का यह जो दायित्व है यह वास्तव में संदर्भ और युग के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उस आलोचना का अध्ययन हम उस युग के परिप्रेक्ष्य में ही करें तो उसके साथ हम न्याय भी कर पाते हैं अन्यथा नहीं हो पाता मित्रों इस विषय को यहाँ विराम देते हैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे आज्ञा दीजिए नमस्कार